हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नीलम और आपका स्वागत है हमारे कुकिंग चैनल कुक विद मी में। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए 6 अलग तरह की लस्सी की रेसिपी, जिन्हें हम घर में ही बनाकर तैयार करेंगे। और ये फ्लेवर लस्सी मार्केट में काफ़ी कॉस्टली मिलती हैं और ये लस्सी बिल्कुल मार्केट स्टाइल है। तो चलिए बनाना करते हैं शुरू। सबसे पहले हमने ले लिया है 1.5 लीटर दही, और ये दही ठंडा है, फ्रेश दही है ये, बिल्कुल ठंडा। आप इस तरह से मथानी से इसको मत लेंगे, आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। हल्के हाथ से इस तरह से हमें इसे मत लेना है। अगर आपके पास में इस तरह का कोई विस्कर है तो आप इससे भी इसे फेंट सकते हैं, ये इससे भी अच्छे से विस्क हो जाती है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 से 1.25 गिलास पानी और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें ज़्यादा इसे हमें पतला नहीं करना है। अब इस दही को हम रख देते हैं साइड में और सबसे पहले हम बनाएंगे प्लेन लस्सी। इसके लिए हम ले लेंगे 1 कप दही, जो हमने दही फैट कर रखा था उसी को हमें लेना है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच पाउडर शुगर, आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन उसे फिर आपको मथने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। थोड़ा सा हमने डाल दिया इसमें इलायची पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। इसे अब हम मिक्स कर लेंगे, इस तरह से बिलोते हुए हमें इसे मिक्स कर लेना है। अब एक गिलास ले लेंगे और गिलास में डालेंगे हम 2 क्यूब बर्फ़ के, और इसके ऊपर डाल देंगे हम लस्सी जो अभी हमने फैटी थी, और इसको गार्निश कर लेंगे हम कटे हुए पिस्ता से, कटे हुए बादाम से, और थोड़ी सी डाल देंगे इसके ऊपर हम टूटी फ्रूटी। तो तैयार है हमारी प्लेन लस्सी, आप इसको एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दूसरी है हमारी बनाना लस्सी। इसको बनाने के लिए हमने ले लिया है 1 बनाना, इस तरह से कट कर लिया है। इसको हम मिक्सी गिलास में डालेंगे, 1 कप डाल देंगे दही, और साथ ही हम डाल देंगे कुछ इसमें काजू, इनको मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। थोड़ा सा डाल देंगे इलायची पाउडर, इलायची पाउडर ज़रूर डालें, और 2 चम्मच इसमें डाल देंगे हम पाउडर शुगर। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, अच्छी तरह से हमें इसे ब्लेंड कर लेना है। अब एक गिलास ले लेंगे और इसमें डालेंगे हम 2 क्यूब बर्फ के, और इसके ऊपर डाल देंगे हम अपनी बनाना लस्सी। अब इसको हम सर्व कर देंगे और इसके ऊपर गार्निश कर देंगे कटे हुए बादाम से, कटे हुए थोड़े से काजू से, और थोड़ा सा पिस्ता से। तो तैयार है देखिए हमारी बनाना लस्सी, इसको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिए, पीने में बहुत ही टेस्टी लगती है। थर्ड है हमारी रूह अफजा लस्सी, जो सबको बहुत ही पसंद होती है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। सबसे पहले ले लेंगे 1 कप हम दही, और इसमें हम डाल देंगे 1.5 चम्मच शुगर, क्योंकि रूह अफजा काफ़ी मीठा होता है। पहले हम थोड़ा सा रूह अफजा डालेंगे और इसको हम विस्क कर लेंगे इस तरह से, और जो थोड़ा सा हमारा रूह अफजा बचा हुआ था उसको भी हम इसी में डाल देंगे, और इसको एक बार हम फिर से फैट लेंगे। और ये देखिए काफ़ी फ्लफी हो चुका है, कितने झाग इसके ऊपर बन रहे हैं। अब ले लेंगे 1 सर्विंग ग्लास, और इसमें हम बर्फ़ नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमारी जो दही है वो काफ़ी पहले से ही ठंडी है। अब इसको हम गार्निश कर देंगे थोड़े से कटे हुए पिस्ता से, थोड़े से कटे हुए बादाम से, और ये तैयार है हमारी रूह अफजा लस्सी। ये पीने में काफ़ी टेस्टी होती है और बच्चों को तो ये काफ़ी पसंद होती है। फोर्थ है हमारी मैंगो लस्सी। मैंगो लस्सी बनाने के लिए हमने ले लिया है 1 कटोरी आम, 1 मीडियम साइज का ये आम है। 1 कप डाल देंगे दही, 2 चम्मच डाल देंगे पाउडर शुगर, साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से इसमें काफ़ी टेस्ट बढ़ जाता है, तो इसको आप ज़रूर डालें। इसे भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे, और अब ले लेंगे हम 1 ग्लास, और इसमें डालेंगे 2 क्यूब हम बर्फ के, और इसमें हम मैंगो लस्सी को डाल देंगे, और अब इसे हम गार्निश कर लेंगे थोड़े से कटे हुए मैंगो से, और थोड़ा सा इसके ऊपर हम डाल देंगे कटा हुआ पिस्ता और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। तो देखिए तैयार है हमारी मैंगो लस्सी, इसको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फिफ्थ है हमारी केसर पिस्ता लस्सी, जो कि काफ़ी पीने में टेस्टी लगती है। इसको बनाने के लिए ले लेंगे हम 1 कप दही, इसमें हम डाल देंगे पिस्ता, इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। थोड़ा सा ले लेंगे केसर, इसको हमने ठंडे दूध में भिगो दिया था। अब इसमें डाल देंगे 2 चम्मच हम पाउडर शुगर, और इसको हम डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे।
और अब ले लेंगे हम एक ग्लास और इसमें डाल देंगे हम जो हमने पिस्ता लस्सी तैयार की थी इसको। अब इसे हम गार्निश कर देंगे कटे हुए काजू बादाम और थोड़ा सा पिस्ता से, और इसके ऊपर रख देंगे थोड़ा सा हम केसर। और ये देखिए हमारी पिस्ता लस्सी बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी है, पीने में लगती है। और सबसे लास्ट सिक्स्थ हमारी लस्सी है चॉकलेट लस्सी, जो बच्चों को काफ़ी पसंद होती है। इसको बनाने के लिए 2 चम्मच हम मिल्क ले लेंगे और थोड़ा सा अखरोट इसमें डाल देंगे और 1 डाल देंगे हम इसमें चॉकलेट। जैसे ही दूध हमारा गर्म होता है तो इसमें हम चॉकलेट डाल देंगे और गैस की फ्लेम को लो पे रखेंगे और थोड़ी ही देर में हमारी जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल तरह अच्छी तरह से पिघल जाएगी। अब इसको कर लेंगे हम ठंडा। अब मिक्सी के गिलास में हम डाल देंगे दही और जो चॉकलेट का सिरप हमने तैयार किया था इसको, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी पाउडर शुगर, क्योंकि चॉकलेट जो होती है वो काफ़ी मीठी होती है। अब इसको भी हम ढक्कन लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। मीठा आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। घर में लस्सी बनाने का या कुछ भी रेसिपी हम बनाते हैं तो यही फ़ायदा होता है कि आप इंग्रेडिएंट्स अपने इच्छा अनुसार रख सकते हैं। 1 गिलास में इसे हम डाल देंगे, यानी कि सर्व कर लेंगे, ऊपर से गार्निश कर देंगे थोड़ी सी घिसी हुई चॉकलेट से। इसको मैंने जो चीज़ कटर आता है इससे ग्राइंड कर लिया है। और ये देखिए हमारी 6 अलग अलग तरह की लस्सी बनके तैयार है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।